दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक विभाग एक छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने जा रहा है, जिसमें परिमंडल स्तर पर गठित समिति डाक अधिकारी और प्रतिष्ठित फिलेटली विद उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें फ्लेटली से संबंधित प्रवेश कर मूल्यांकन करेंगे। इस योजना में कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा, जिसके संबंध में प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने बताया कि फ्लेटली के पहुंच को बढ़ाने की दिशा में प्रयास को सुदृढ़ बनाने के लिए डाक विभाग दीनदयाल स्पर्श योजना के नाम से छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने जा रहा है, जो कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए शौक के तौर पर डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि तथा क्षेत्र में शोध के प्रचार प्रसार एवं छात्रवृत्ति दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत मेघावी छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव जारी किया है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 9 तक के नियमित विद्यार्थियों को तिमाही आधार पर वितरित किया जाएगा। छात्रवृत्ति की राशि 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 6000 रुपये प्रतिवर्ष होगी तथा चयनित विद्यार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अथवा डाकघर बचत बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा वाली शाखा में अपने अभिभावकों के साथ एक संयुक्त खाता खुलवाना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने कहा, जिसने मतलब देश के लिए मतलब कुछ बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए ठीक ठाक टिकट यही है। ये दीनदयाल स्पर्श योजना है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। ये राशि है स्कॉलरशिप की, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 6 से 9 तक के नियमित विद्यार्थियों को तिमाही आधार पर वितरित की जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि जो स्कॉलरशिप की राशि है वो 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 6000 रुपये प्रतिवर्ष होगी। छात्रवृत्ति के लिए चयन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। स्कॉलरशिप का जो चयन होगा वो 1 ईयर होगा और तथा एक बार चयनित विद्यार्थी दोबारा आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अन्य सभी मानदंड पूरे करता हो। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशित विद्यालय को प्रतिष्ठित फ्लेटली विदों में से चयनित एक फ्लेटली मेंटोर दिया जाएगा, परामर्शदाता दिया जाएगा। फ्लेटली मेंटोर विद्यालय स्तर पर फ्लेटली क्लब स्थापित करने में युवा और फ्लेटली के इच्छुक विद्यार्थियों को इस शौक को आगे बढ़ाने तथा उनके फ्लेटली संबंधी प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान करेंगे। अब इसकी कंडीशंस हैं, वो बच्चा जो उम्मीदवार है भारत में मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए, संबंधित विद्यालय का फ्लेटली क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि विद्यालय में फ्लेटली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिसका अपना फ्लेटली जमा खाता है, हमारे यहाँ पी डी अकाउंट होता है, फ्लेटली डिपॉजिट अकाउंट, उसके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। बच्चे का रिकॉर्ड शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उम्मीदवार ने पिछले अंतिम वर्ष में अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अंक किए हों। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 55% होगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत चयन, फ्लेटली संबंधित प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन अथवा प्रमंडलों द्वारा आयोजित फ्लेटली क्लब में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।